मंडल प्रशिक्षण वर्ग को लेकर भाजपा जिला ग्रामीण की बैठक संपन्न। भारतीय जनता पार्टी जिला उज्जैन ग्रामीण के 21 मंडलों में होने वाले मंडल प्रशिक्षण वर्ग को लेकर शनिवार को लोकशक्ति भाजपा कार्यालय में भाजपा जिला उज्जैन ग्रामीण की जिला बैठक जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह बोर मुंडला की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से प्रशिक्षण वर्ग के प्रदेश प्रभारी विजय दुबे एवं जिला प्रभारी सुरेश आर्य उपस्थित थे। जिला सह मीडिया प्रभारी पंकज चौहान के अनुसार बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रभारी विजय दुबे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के साथ रीति नीति पर चलकर राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्र निर्माण एवं समाज निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी समय समय पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देती है। प्रशिक्षण के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ताओं की योग्यता में निखार आता है, जिससे भाजपा कार्यकर्ता राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। उन्होंने मंडल स्तर पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण वर्ग को लेकर दिशा निर्देश दिए। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से कहा कि कोविड-19 को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण वर्ग में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखकर प्रशिक्षण वर्ग आयोजित कराएं। बैठक में जिला प्रभारी सुरेश आर्य ने कहा कि प्रशिक्षण वर्ग के माध्यम से कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से मजबूत बनाना पार्टी की पहली प्राथमिकता है, जिससे भाजपा कार्यकर्ता वैचारिक रूप से मजबूत होकर समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक की सेवा करने के लिए अग्रणी रहता है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण वर्ग में भाजपा कार्यकर्ता केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की सभी योजनाओं को आत्मसात कर लोक कल्याणकारी योजनाओं से जन जन को अवगत कराकर लोगों को लाभ दिलाने के लिए कार्य करें। उन्होंने मंडल स्तर पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण वर्ग को लेकर पार्टी पदाधिकारियों को जानकारी एवं दिशा निर्देश दिए। बैठक में जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह बोर मुंडला ने संबोधित करते हुए कहा कि 10 दिसंबर से 20 दिसंबर तक उज्जैन ग्रामीण के 21 मंडलों में 2 दिवसीय मंडल प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किए जाएंगे, जिसमें अधिकतम 100 कार्यकर्ता अपेक्षित रहेंगे, जिसमें कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।